हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द शो मास्टर। आ रहा है वीकेंड का बार, कल वीकेंड का बार आपको मिलेगा देखने को। तो अब इसमें सलमान खान के पास कौन से मुद्दे होंगे जो वीकेंड के बार में डिस्कस करेंगे, कोई गेस कर सकता है? वैसे तो कुछ कुछ चीज़ ही है, पता चल जाएगी क्या क्या डिस्कस होने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होने वाला है। पहला जो सबसे बड़ा होने वाला है वो है रॉयल रंबल। जो रॉयल रंबल WWE अंदर चल रही है, जंगल में दंगल, धड़ाधड़, एक को इधर पीट रहा है, एक को इधर दे रहा है, एक को ऐसा उठा के फेंक रहा है। वो करण कुंद्रा निशांत को ऐसा पैर पकड़ के घसीट के लेके जाता है और प्रत्यु को ले दे धक्का देता है और सब लोग वास्ते धक्का धक्का दे दे के उठा रहा है। वैसे सिम्बा नागपाल प्रतीक को ऐसा पकड़ता है जैसे वो सुल्तान मूवी में सलमान खान पकड़ता ना, वैसा पकड़ के उठा के फेंक देता है। एक से एक सीन देखने को मिल रहा है। मैं बोला वहाँ कसम, तो सेकेंड वीक चल रहा है और बिग बॉस में इतना सारा लफड़ा हो रहा है और बिग बॉस क्या, किसको रुकेगा बिग बॉस और किसको बाहर फेंकेगा? अभी सब लोग आराम देख रहे, किसको उठा के बाहर फेंक, सबको बाहर फेंके तो शो कैसे, फिर शो खत्म हो जाएगा, बस शो बंद हो जाएगा। फिर अभी बिग बॉस कुछ नहीं कर सकता। अभी जो बिग बॉस उड़ा कान पकड़े, जो हो रहा होने थे सीजन 13 में भी हम लोग हेल्पलेस थे। जो दो बंदा सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम जो झगड़ रहे थे और वो दोनों को निकाल भी नहीं सकते, दोनों को निकाला था हमारा फुटेज खत्म। तो वो वैसा हेल्पलेस मोड में अभी इस वक्त दिखाई दे रहा है। बिग बॉस OTT में जिशान खान ने एक किया था, अब तो ऐसा लग रहा है कि जिशान खान के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हुई है, उसको नहीं निकालना चाहिए था। अगर OTT तुम्हें ओवर द टॉप बोलते हो तो अगर बिग बॉस 15 या बिग बॉस 13 में ये चीज़ हो सकती तो ओवर द टॉप में तो इससे ज़्यादा होना चाहिए था। तो ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटिंग था OTT के लिए। और करण जौहर को सीखना होगा और जो भी क्रिएटिव मेंबर थे OTT के, उन लोग को सीखना पड़ेगा जो ये जो चीज़ चल रही है अभी। ये एक्चुअल में ये है ओवर द टॉप, वो ओवर द टॉप है नहीं, वो तो लोअर द क्या बिलो द बेल्ट हो गया। उधर क्या बोले, बिलो हो गया क्या बोलेगा, छोड़। तो इसमें बहुत बड़ा बहस होने वाला है। इसमें काफ़ी लोग को करण कुंद्रा को भी सुनने को मिला कि करण कुंद्रा इतना कोनी पकड़ के मार रहा था, ठप 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 कोनी से मार रहा था। क्या फाइट चल रही थी यार, क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा था। अभी आज का एपिसोड आप देखोगे ना तो इतना धड़ाधड़ चलो ना, मैं प्रोमो देख के मैं पागल हो गया। मैं प्रोमो में क्या दिखाया यार सर, मैं तो पागल है अभी वो देखने के लिए कि भाई एक्चुअल में हुआ क्या है, क्या क्या देखने को मिलेगा। ऊपर से भाई वो छोड़ो, अफसाना पे बाद में आएंगे। फिर एक और मुद्दा आप लोग को सलमान खान उठाते हुए दिखेगा, शमिता शेट्टी का संचालक, जिस तरह से संचालन की उसने यहाँ पे, भले बिग बॉस ने अपना गेम खेला है, बिग बॉस ने अपना पूरा प्लेट में परोस के रख दिया विशाल कोटियान के लिए और शमिता शेट्टी के लिए कि तुम लोग के लिए गेम बना के दिया, संचालक भी उसको बनाया, बिग बॉस ने बना के दिया, लेकिन ये मुद्दा तो उठाएगा ना, तो आग कैसे लगेगी? फिर आग लगाना पड़ेगा इन लोगों को। बिग बॉस में जब भी कोई टास्क डिज़ाइन एक तरफ से किया जाता है कहीं वहाँ पे ऐसा सबको पता था कि संचालक यहाँ पे फेयर नहीं खेलेगा, तो वीकेंड के बारे में उस चीज़ का मुद्दा इसलिए उठा देता ताकि इस चीज़ का बहस और होना चाहिए। तो यहाँ पे सलमान खान जरूर इस चीज़ का मुद्दा उठाएगा, पूछेगा तू फेयर क्यों नहीं थी, तूने क्यों एक ही चीज़ को सपोर्ट किया, तूने क्यों विशाल को ही सपोर्ट किया, तूने एक चीज़ को देख के बाकी लोगों को क्यों नहीं किया, ये सब मुद्दा उठेंगे। बट वो क्या बोलते ना, शमिता के फेवर में जाएगी ज़्यादातर अच्छा लग रहा है, बड़े मुद्दा उठेगा। फिर एक और मुद्दा आप लोगों को देखिएगा, प्रतीक जो पागलपन की दिखा रहा था, जय भानुशाली ने एक और बार गाली दी थी उसको, फिर खुद को पीटना शुरू किया, ये करना शुरू किया। याद है सीजन 13 में तो शहनाज गिल को भी इसी चीज़ पर डांट पड़ी थी। तो ये सब, और जास्मिन को भी सीजन 14 में इस चीज़ की डांट पड़ी थी, को खुद को पीटना, ये करना, हम करना है, तो ये थोड़ा ना, एक तो एक पागलपंथी का एक ये होता है हद से पार, ये चीज़ तो आपको करना नहीं चाहिए। तो सलमान खान उठाएगा ये एक मुद्दा प्रतीक को, और उसके बाद प्रतीक को एक शाबाशी भी दे सकते हैं कि कहीं ना कहीं तुम थोड़ा चेंज हो गए, ऐसे ही रहना जैसा पहला हफ्ते में था वैसा मत रहना, ये कहीं ना कहीं एक सलाह देगा। और ये सलाह इसलिए देगा ताकि प्रतीक और डाउन हो जाए और निगेटिव में आ जाए, उसका फुटेज कम हो जाए, लोग यही चाहते हैं। क्योंकि पहले ही प्लान बन चुका है, बिग बॉस OTT से कोई नहीं जीतेगा ये शो, ना ही शमिता जीतेगी, ना ही प्रतीक जीतेगा, ना ही निशांत जीतेगा। जीतेगा तो तेजस्वी जीतेगी, या तो करण कुंद्रा जीतेगा, या तो जय भानुशाली जीतेगा, या तो फिर चांस हुआ तो चांस उमर रियाज जीतेगा।
और विशाल कोटेन का चांस हुआ तो, बट इन इनमें से कोई जीतने वाला है और कोई नहीं जीतने वाला है। फिर एक अच्छा मुद्दा उठेगा, अच्छा मतलब भड़का हुआ, जो जय भानुशाली का मुद्दा उठेगा, गाली गलौच वाला। जिस तरह से जय भानुशाली ने गाली गलौच किया एक और बार, जैसे कि सलमान ने एक बार पिछला हफ्ता मना करके गया था गाली मत देना करके, इस बार फिर से उसने गाली दिया। तो एक चीज़ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा कि इसमें ना जय भानुशाली को सलमान सपोर्ट करेंगे या फिर सलमान जय भानुशाली को सुनाएगा। ये गाली का मुद्दा तो उठेगा ज़रूर, क्योंकि हमने दूसरे एंगल से जो देखा ना, जिस तरह से अगर प्रत्येक सहजपाल मतलब को गाली दिया तो सब घर वाले चिल्लाना शुरू हुआ, गाली मन गाली क्यों दिया, ये क्यों दिया, वो क्यों किया। तो सेम हमने टास्क के टाइम तो कितने सारे गाली सुने थे, कौन कौन आ रहे, हर एक लोग जाके गाली दे रहे थे। तब जय भानुशाली ने पॉइंट को उठाया और बिग बॉस ने पॉइंट को दिखाया भी, अरे सलमान ये और विकेंड कार में देख सलमान, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि सलमान जय भानुशाली को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा, बोलेगा ये बोलेगा कि अगर तुम लोग सब लोग कर रहे, लेकिन मना तो करेगा कि गाली नहीं देना करके, जय भानुशाली इसके लिए वार्निंग देगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये बोलेगा कि तुम लोग गाली दे सकते हैं, अफसाना इतना बड़ी बड़ी गाली दे रही है अभी शमिता को, ये सब मुद्दा उठने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं जय भानुशाली भी ये चिल्लाते हुए दिख रहा है, भाई मैं गाली दे तो तुम लोग को प्रॉब्लम, लोग गाली दे तुम लोग को प्रॉब्लम क्यों नहीं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा उठने वाला है जय भानुशाली का, कि उठेगा ही उठेगा। और एक मुद्दा उठेगा वो है अफसाना का बदतमीजी, इतनी बदतमीज़ है वो अफसाना का, एज मुझे पता नहीं बट 22 से 24 के करीब कुछ होगा या फिर 26 के करीब होगा। और शमिता शेट्टी वही शहर में 40 37 टू 40 के एज में होगी, तो उससे ज़्यादा होगी हो सकती है पता नहीं, पर 37 टू 40 के एज में होगी। और ये देखिए इतना ये लगा कि एक तुम औरत हो के तो जो तुमसे बड़ी है उसको तुम क्या क्या गाली दे रहे हो यार, बिलो द बेल्ट बात कर रही हो, तू नीच है, वो है, ये है, इतनी गंदी गंदी गाली दे रही, इतनी गंदी गंदी सुना रही थी, गाली भी दे रही थी। और अफसाना हर एक लोग को, चाहे वो शमिता हो, चाहे वो विशाल कोटियान हो, चाहे वो विधि हो, चाहे विधि और इन लोग को बहुत बुरा बुरा बोला है अफसाना ने, बहुत बुरा बुरा बोला है। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा उठने वाला है। तो गाइस यही है मुद्दा, इससे आगे भी और मुद्दे हो सकते हैं जो आज का एपिसोड देखने का मन पड़ेगा, जो रंबल जंबल जो रॉयल रंबल चालू है जंगल में जंगल, इसका तो बहुत सारा मुद्दा उठेगा, देखते आगे वीकेंड कवर कर ले। तो आज का एपिसोड पहला देखना होगा कि क्या होने वाला है। धन्यवाद।